हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा मॉक टेस्ट 4th है, जिसके अंदर हम 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे और ये 25 के 25 क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि सर हिंदी में प्रोवाइड किया करो। तो जो लोग नए जुड़े हैं, जिन्हें नहीं पता है, हमारा हिंदी में भी मॉक टेस्ट होता है डेली रात को 8 बजे। तो मैंने लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है कि अब तक के सारे मॉक टेस्ट आप वहाँ पर देख सकते हैं। जितने भी मॉक टेस्ट हुए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप हिंदी में सारे मॉक टेस्ट देख सकते हैं। अब आज के इस मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, आपके सामने 25 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन में आपको 15 सेकेंड का समय मिलेगा। इस 15 सेकेंड के अंदर आपको जवाब देना है, और बिल्कुल जवाब देना है। सही या गलत मत देखिएगा, जो भी आपको लगे बताइएगा, और एक एग्जैक्ट स्कोर मुझे बताएंगे आपने कितना स्कोर किया है। ये आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेगा। दूसरा आपको हेल्प करेगा आपका स्पीड मेंटेन करने में। तो कमेंट करें, क्योंकि आपको पढ़ना है, जवाब देना है, इससे आपका टाइम बिल्कुल मैच होगा परफेक्टली, जैसे आप CBT टेस्ट देंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बैठकर। तो उसी तरीके से इस टेस्ट को देना है। अब शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने। व्हाट इज द फिनोमिनन विच एस्टैब्लिश द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, एंड द ऑप्शंस आर रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, एंड द करेक्ट आंसर इज पोलराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ अ मेमोरी बफर यूज टू अकोमोडेट अ स्पीड डिफरेंशियल, मेमोरी बफर यूज टू अकोमोडेट अ स्पीड डिफरेंशियल, काचे, स्टैक पॉइंटर, एक्यूमुलेटर, डिस्क, एंड द करेक्ट आंसर इज काचे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कंटेन्ड इन क्लोरोफिल, सोडियम, पोटेशियम, मैंगनीज या मैग्नीशियम, व्हाट इज कंटेन्ड इन क्लोरोफिल, एंड द करेक्ट आंसर इज मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 4, एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कॉइंस, इंस्क्रिप्शन, टेम्पल्स, बर्ड्स, एंड द करेक्ट आंसर इज इंस्क्रिप्शंस। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉन द वुमेन्स सिंगल विंबलडन चैंपियनशिप इन 2019। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, 2019 का वुमेन सिंगल विंबलडन चैंपियनशिप किसने जीता, क्योंकि हमारे 2019 का इंपॉर्टेंट है, 2020 का पोस्टपोन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच फील्ड इज बीसी रॉय अवार्ड गिवन, बीसी रॉय अवार्ड, म्यूजिक, जर्नलिज्म, मेडिसिन, एनवायरमेंट, एंड द करेक्ट आंसर इज मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 7, वॉट इज दामोदर वैली कॉरपोरेशन, स्टैचुअरी बॉडी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लुकिंग आफ्टर दामोदर वैली, अ प्राइवेट एंटरप्राइज लोकेटेड इन बिहार, डी, अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज दामोदर वैली कॉरपोरेशन, एंड द करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, ए, अ स्टैचुअरी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया, हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया, वीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा मेडल, कीर्ति चक्र, परम वीर चक्र, एंड द करेक्ट आंसर इज परम वीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, ये नेपाल है, नेपाल, एंड द करेक्ट आंसर इज हाँ, वेरी गुड, विद्या देवी भंडारी। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच फील्ड इज पुलिट्जर प्राइज अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क, एनवायरमेंट स्टडी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिटरेचर एंड जर्नलिज्म, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, एंड द करेक्ट आंसर इज लिटरेचर एंड जर्नलिज्म। क्वेश्चन नंबर 11, वाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड अ पोल्यूटेंट, reacts with hemoglobin, B, makes nervous system inactive, C, it reacts with oxygen, or D, it inhibits glycolysis. Why is carbon monoxide a pollutant? And the correct answer is because it reacts with hemoglobin. Question number 12,
Why is run of Kutch of India famous for? Tidal and flats, fertile soil, dense vegetation, or D, all are correct. Run of Kutch. Run of Kutch is situated in which state? Will you please tell me? And the correct answer is Tidal and flats. Question number 13. Commercial banks lend to which of the following priority sectors? Commercial banks lend to which of the following priority sectors? Heavy industries, agriculture, small scale industries, foreign companies, D, state government in emergency situation. And the correct answer is agriculture, small scale industries. Question number 14. What is the accounting year of RBI? Accounting year of RBI. April, March, July, June, October, September, January, December. Accounting year of RBI. And the correct answer is July, June. Question number 15. What is the position of the earth when it is at the greatest distance from the sun? Position of the earth when it is at the greatest distance from the sun. And the correct answer is aphelion. Aphelion. The biogas used for cooking is a mixture of which of the following? And the options are carbon dioxide and oxygen, isobutane and propane, methane and carbon monoxide, D, methane and carbon dioxide. And the correct answer is methane and carbon dioxide. Next question. From the following, who was the first woman speaker of Lok Sabha? First woman speaker of Lok Sabha. Sushma Swaraj, Margaret Alva, Meera Kumari, Sarojini Naidu. And the correct answer is Meera Kumar. Question number 18. Which of the following wind is blowing from the Mediterranean Sea to the northwestern parts of India? Options are western disturbances, norwesters, loo, mango showers. And the correct answer is A, western disturbances. Question number 19. Azolla increases soil fertility for maize cultivation, wheat cultivation, barley cultivation, or rice cultivation. Azolla. And the correct answer is rice cultivation. Question number 20. Which of the following is not provided in the constitution? Election commission, finance commission, Public Service Commission, or D, Planning Commission. And the correct answer is Planning Commission. Question number 21. Who replaced the Planning Commission? Can you please tell me? Who replaced the Planning Commission? What is the popular name of monolithic rock shrines at Mahabalipuram? Monolithic rock shrines at Mahabalipuram. Rathas, Prasadas, Prasadas, Mathika, Gandhakuti. And the correct answer is Rathas. Question number 22. What is the name of device used to convert alternating current into direct current? Which convert AC into DC? And the correct answer is दोस्तों, अगर आप मुझसे क्विज वगैरह के लिए जुड़ना चाहते हैं, डेली आप लोगों का क्विज के जरिए प्रैक्टिस कराया जाए, आप जुड़ना चाहते हैं, आपका कोई डाउट है और आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पर, आप चाहते हैं आपको कुछ स्टडी मटेरियल मिले, कुछ बुक्स मिले, तो आप मुझे इस नंबर पर ज्वाइन कर सकते हैं 7827034344। ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आपको 50 रुपीज पे करने हैं। कितने रुपये? 50 रुपीज पे करने हैं 4 मंथ्स के लिए। 4 महीनों के लिए ओनली 50 रुपीज़। 4 महीनों तक आप उस ग्रुप के मेंबर रहेंगे,
चार महीनों के लिए, और आपको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। एक तो एग्ज़ाम की तरह से आप बिल्कुल प्रिपेयर कर पाएंगे, आपका कोई भी डाउट है पढ़ते समय वो आप पूछ सकते हैं, अपने डाउट कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी जो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं मिल रही होगी लॉकडाउन की वजह से। तो ये सारी चीज़ें आपको ओनली इन 50 रुपीज़ इस ग्रुप पर आज ही ज्वाइन कर लो। उसके बाद मैं आप लोगों के पास 5-10 दिन का समय है, उसके बाद मैं इस कोर्स को 100 रुपीज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे पास भीड़ आए। तो अभी मौका है आप लोगों के पास, ओनली इन 50 रुपीज़ 4 मंथ्स मेंबरशिप 4 महीनों के लिए। आप पर मंथ अगर आप हिसाब लगाएंगे ओनली इन 12 रुपीज़। चलो अब बाकी इसकी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रेक्टिफायर, एंड द करेक्ट आंसर इज रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाई डज आइस कवर्ड इन सो डस्ट नॉट मेल्ट क्विकली। व्हाई डज आइस कवर्ड इन सो डस्ट नॉट मेल्ट क्विकली। सो डस्ट डज नॉट अलाउ द एयर टू टच द आइस। बी, द वॉटर इज एब्जॉर्ब बाई सो डस्ट। सी, सो डस्ट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और डी, सो डस्ट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड द करेक्ट आंसर इज बिकॉज सो डस्ट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्वेश्चन नंबर 24, विच लेयर ऑफ अर्थ एटमोसफेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। विच लेयर ऑफ अर्थ एटमोसफेयर कंटेन्स ओजोन लेयर। एंड द करेक्ट आंसर इज स्ट्रेटोस्फेयर। वेयर इज ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड। ग्रेट बैरियर रीफ, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन। ग्रेट बैरियर रीफ, एंड द करेक्ट आंसर इज पैसिफिक ओशियन। ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, ये था हमारा 4th mock test जीके का। आई होप आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा। जिन लोगों का स्कोर 18 से अबव है वो अच्छे जा रहे हैं, जिनका अभी 18 से नीचे है उन्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन ये 18 स्कोर आपका नेगेटिव मार्क्स काटने के बाद होना चाहिए। अगर आप 18 कर रहे हैं आउट ऑफ 25, तो समझ लीजिए आपका एक कदम सफलता की ओर आप बढ़ा चुके हैं। ठीक है, डेली आप लोगों का सुबह 9:30 बजे इंग्लिश में मॉक टेस्ट होगा, 12:30 बजे आप लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है जिसे कोई भी स्टूडेंट मिस ना करे। अगर आप वो क्लास छोड़ रहे हैं तो समझ लो सफलता से 2 कदम पीछे जा रहे हैं। 12:30 बजे का डेली क्लास आप लोगों को लेना है। दूसरा, उसके बाद आप लोगों का क्लास होगा 8:00 बजे। अगर बीच में कोई क्लास होता है तो वो होगा 4:00 PM। चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। पसंद आए तो लाइक करें। ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरे नंबर 7827034344 पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं 12:30 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।